फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन जो है रिपेयरिंग में आई है, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब भी इसके अंदर वजन डालते हैं या कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, तो जो मशीन जो है घूम नहीं पाती है। तो ये मशीन जो है लोड कम ले पा रही है, घूम नहीं पा रही है। तो आई हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम मशीन को चालू करते हैं, उसमें डिटेक्ट करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से हम इसके अंदर रिपेयरिंग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले इसका जो है टाइमर घुमाया है। ठीक है दोस्तों, टाइमर घुमाया, आप देख रहे हैं इसकी मशीन जो है घूम रही है। ठीक है दोस्तों, मशीन जो घूम रही है अभी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अभी क्लॉकवाइज है। आप देख रहे हैं इसके अंदर मशीन जो ये पल्सेटर है बहुत ही धीमी ही स्पीड से घूम पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पल्सेटर बहुत ही धीमी स्पीड से घुमा रहा है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। इसके अंदर देखो, धीमे स्पीड घूमने के वैसे तो बेसिकली तीन चार कारण होते हैं। कभी उसकी बेल्ट जो फैन बेल्ट जो है वो खराब हो जाती है या कट जाती है, जिसके कारण मशीन जो है धीमे घूमती है। कैपेसिटर वीक हो जाता है, जिसके कारण मशीन घूमती है। या मोटर वाइंडिंग जो स्टार्टिंग और रनिंग है जो आपस में चिपक जाती है, शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण भी जो है मशीन धीमा घूमती है। और कई बार जो गैर बॉक्स में पानी लीकेज होता है, बेल्ट के ऊपर पानी जाता है, जिसकी वजह से भी मशीन जो है धीमे घूमती है। और लास्ट जो कारण होता है वो है जो पल्सेटर जो है इसके जो ऊपर के दांत घिस जाते हैं, जिसके कारण मशीन जो है धीमे घूमती है। ठीक है दोस्तों, अब मशीन घूमती है, जब इसको हम इसको दबा के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये देखा दोस्तों, अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, जब इस पल्सेटर को पकड़ रहे हैं तभी मशीन घूम रही है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ये जो है दिक्कत आ रही है, इसका मतलब इसका गियर बॉक्स खराब है या ये खराब है। तो हम इसको पहले खोलते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये देखो दोस्तों, हमने पल्सेटर इसका जो खोल लिया है, पल्सेटर खोल लिया है इसकी, इसकी जो है ये गियर बॉक्स और मोटर जो अच्छी तरह से घूम पा रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो गियर बॉक्स जो अच्छी तरह से घूम पा रहा है, लेकिन ये जो पल्सेटर है, ये जो पल्सेटर घूम नहीं पा रहा है। इसके पल्सेटर के जो खांचे होते हैं, दांते होते हैं, वो कट चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर ये दांते हैं जो है घिस चुके हैं, जिसके कारण ये जो है लोड नहीं ले पा रही, घूम नहीं पा रही, जिसके कारण ये जो मशीन जो है घूम नहीं पा रही है। ठीक है दोस्तों, हम इसका जो पल्सेटर और गियर बॉक्स दोनों चेंज करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को शुरू और इसका पल्सेटर और गियर बॉक्स दोनों चेंज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सिंपली मैं आपको बता दूं इसके अंदर गियर बॉक्स कैसे चेंज किया जाता है, वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। ये जो है जेन कंपनी की वॉशिंग मशीन सिंगल टॉप है, जो 7.5 किलो की है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक साइड में एक यहाँ पीछे कवर लगा हुआ है, उसको खोलना है। ये कवर जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, इसके अंदर जो ये बेल्ट लगी हुई है उसको आपको रिमूव करना है। यहाँ पर एक बेल्ट आपको नजर आ रही है, वो सबसे पहले आपको जो रिमूव करना है मैं आपको बताता हूँ। बेल्ट लगी, सबसे पहले आपको बेल्ट को जो है रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों, बेल्ट को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर दो कलर की बॉडी दिख रही है। यहाँ पर ये जो है अपर बॉडी है, ये जो है बॉटम बॉडी है। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रू नजर आ रहे होंगे, आपको सबसे पहले ये स्क्रू खोलना है, जिससे ये ऊपर वाली बॉडी अलग हो जाएगी और नीचे वाली बॉडी जो है अलग हो जाए, जिससे हम आसानी से गियर बॉक्स जो है चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं इसको बॉडी को खोलने के बाद आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके जो चारों स्क्रूज हैं, यहाँ पर जो चारों स्क्रू लगे हुए होते हैं, वो हमने चारों स्क्रू जो इसके खोल लिए हैं। अब हम इसके जो अपर बॉडी है और जो बॉटम बॉडी दोनों को अलग करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जो अपर बॉडी को इसके ऊपर रख दिया है, और आपको जो गियर बॉक्स है सिंपली आपको जो है नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके गियर बॉक्स जो बोल्ट लगे हैं वो खोलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी पुली जो है खोलनी है। तो नट बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों, आपको सिंपल इसको जो है पुली को जो है बाहर खींच लेना है, फिर यहाँ से आपको जो चार स्क्रू है वो खोलने हैं।
तो ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसके जो गियर बॉक्स को है चेंज कर दिया है। अब हम इसका जो बॉटम हिस्सा है, ये जो बॉटम हिस्सा है वापस हम नीचे की ओर करके इसको जो फिटिंग करने वाले हैं। अब जो है वापस की जो है बेल्ट वो है वापस लगा देंगे। बेल्ट लगाने का तरीका पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है दोस्तों, सिंपली आपको मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपली आपको बेल्ट करने का तरीका जो है बताता हूँ, इसको घुमाते रहना है। ये आपकी बेल्ट जो है चढ़ गई है, ये देखिए दोस्तों, ये हमने आसानी से इसकी बेल्ट को वो जो है चढ़ा दिया है। अब हम इसको मशीन को जो पल्सेटर लगा के फिर चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले जो हमारा गियर बॉक्स था वो जो है कीड़े की शेप में था, अब हमने जो लगाया है वो स्क्वायर की शेप में गियर बॉक्स को लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसका ऊपर का जो वाशर जो है लगा दिया है। अब इसका जो पल्सेटर है वो रखते हैं। अब हम इसको मशीन को जो है चालू करते हैं। अब हम इसको जो है टाइमर को चालू करते हैं, मशीन को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मशीन हमारी जो है अच्छी परफेक्ट तरीके से घूम पा रही है। अब रोकने के बाद भी जो है नहीं रुक रही है, अच्छे तरीके से जो है लोड ले पा रही है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से लिए आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं। और प्ले लिस्ट पर जाकर आप हमारा कई और भी तरह के वीडियो देख सकते हैं। हमने फुली ऑटोमेटिक रिलेटेड सैमसंग से फुली ऑटोमेटिक रिलेटेड वो भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, और हमने कई तरह से जो है सेमी ऑटोमेटिक और ग्राइंडर मशीन पे कई तरह से हमने वीडियो अपलोड किया। आप लाखों वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।